नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का वाईफाई स्टडी 2.0 पर, विच इज़ द पार्ट फोन अकेडमी। मैं आपका जीकेजर पंकजरा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने क्लासेस नहीं ली थी और आज मैं क्लास ले रहा हूँ। थोड़े से अपन जो समय लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे प्यारे विद्यार्थी। आप सब लोग जुड़ जाइएगा फटाफट मेरे साथ में, और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा मेरे साथ में। जितने भी लोग जुड़े, वेरी गुड, वेरी गुड, आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को। क्या बात है, क्या बात है, गुड। जुड़ जाइए फटाफट एक बार। मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है। अंश गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग। अनीश गुप्ता, सर्वानी दत्ता, वेरी गुड इवनिंग। कविता राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधु, अंजलि, राहुल, करण, वेरी गुड, वेरी वेलकम, वेरी वेलकम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। चलेगा बिल्कुल, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जुड़ जाइए। जैसा कि पता है आपको, जो ये क्लास होती है डेली शाम को 7 बजे वाईफाई 2.0 पर, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं वाईफाई 2.0 पर। क्लियर? यस, डेली शाम को 7 बजे। बाकी एप्लीकेशन की क्लासेस का भी आपको पता है। सनी चंडोलोजी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर आप मुझसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन करिएगा, कोई भी कैटेगरी आप चुनिएगा और यहाँ पर जाकर के आप नाम सर्च करिएगा पंकज कुमार। क्या नाम सर्च किए? पंकज कुमार। जैसे ही पंकज कुमार सर्च करेंगे, एजुकेटर सीओल पर आप क्लिक करना। ये दिख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरे ही अपने साथी हैं। वेरी गुड इवनिंग सुरेंद्र डिडेल जी, ठीक है ना? यस, ऑल एजुकेटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, तो ये मैं हूँ यहाँ पर, आई एम जीके टीचर एक्सपीरियंस। मेरी ये फोटो देख लेना और तुरंत जाकर के मुझे, जैसे ही आप सर्च करेंगे और जाकर के प्यारे विद्यार्थियों मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? यहाँ पर चल रही स्पेशल फ्री क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। और आप जा करके यहाँ पर प्लस कोर्स भी ले सकते हैं। मैंने 2 प्लस कोर्स लॉन्च किए हैं, एक तो कंप्यूटर का मैंने कोर्स लॉन्च किया, एक मैंने ज्योग्राफी का, ठीक है ना? दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मेरा कोड का इस्तेमाल करना है, PNKG10। भले ही आप कोई भी इस्तेमाल करें, ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चाहे से आप SSC का लें, आप रेलवे का लें, आप बैंक का लें, कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं, कोई भी स्टेट PCS का लें, जैसे RPSC का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। ये एक्चुअल रेट है यहाँ पर जो दिखा रखी है आपको, ये एक्चुअल रेट है यहाँ पर। और जैसे ही आप ये कोड का इस्तेमाल करते हैं, आपको 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और जो ये रेट है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी। यस, 10% के डिस्काउंट के साथ, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो डेली मेरे साथ में जुड़ते हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। क्या बात है बेबी लोधी जी, ज्योति, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्वती देवी, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, पूरे क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन है थोड़ा सा अपन लेने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा ले लेंगे। बिल्कुल जुड़ जाइए आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग, आई एम वेरी गुड, वेरी गुड। जय हिंद साहब, जय हिंद बेबी लोधी जी, वेरी जय हिंद जी। पार्वती देवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वेरी गुड इवनिंग गिकी गुरु जी, चलेगा बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखेगा, निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है? मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट यूज एज द मेन मेमोरी सिस्टम? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठोकेगा फटाफट से, जुड़ जाइए आप सब लोग मेरे साथ में। वेरी गुड इवनिंग यदवीर सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट जुड़ जाइए। चंचल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल जुड़ जाइए आप सब लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। जल्दी जवाब दे दीजिए फटाफट से। नंबर 1 का प्रभा, मनीषा, यहां पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ए व बी दे रहा है दोनों, ठीक है ना? आप लोग डी आंसर दे रहे हैं, जबकि कोई क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है, कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी के सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है। और आप कह रहे हो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक कैसे नहीं होती भाई, दोनों तो होती हैं। अरे भाई दोनों होती हैं, तो ये आंसर भी बिल्कुल तीनों ये बैठ जाए ए में भी। अरे भैया कह रहा नहीं होती है तो राइट, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर बी होगा, मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है, सेमी कंडक्टर यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। बस पहला क्वेश्चन दिया उसी में आप लपेट दिया ये क्वेश्चन ने आपको,
आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं है, नहीं होती है, नहीं दे रहा है, होती है जो, तो मैग्नेटिक और ए व बी बहुत, सॉरी ए व सी बहुत होगा, यहाँ पर बी दे दिया गलती से, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, सेमी कंडक्टर, बिल्कुल सेमी कंडक्टर राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आपको। यस नमस्कार सपना क्यूट जाननी, नमस्कार, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर है भैया, बी इज राइट आंसर, राइट आंसर बिल्कुल, ओके बी। राधे राधे, संदीप कुमार जी, राधे राधे, प्रदीप कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, सेमी कंडक्टर। चलिए शेयर कर दीजिए, आज बहुत कम बच्चे हैं, क्या बात है, आज बहुत ही कम बच्चे आए, मैं अभी 2 दिन की छुट्टी पे था शायद इस वजह से, क्या वो थोड़ी सी क्या समस्या चल रही है जी, थोड़ा सा तबीयत पानी ऐसे ही चल रहा है इस वजह से। चले ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डेटा सुरक्षित करता है, सीपीयू, मेमोरी, मास स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, दीजिए जवाब। नंबर 2 का देना है जवाब फटाफट से, मेरा फर्स्ट डे, रंजना यादव जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी फर्स्ट डे ऐसा। आरती कौशिक ने जवाब दिया जो कि गलत जवाब है आपका, आरती जी, ज्योति जिद्दी, गलत जवाब, गलत जवाब, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं गलत है। यस एक आंसर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ अली ने सबसे राइट जवाब दिया, बिल्कुल इंसाफ अली, ना करम कह रहे हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। यस यहां पर जो राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी होगा अधिक मात्रा में डेटा को, मैस स्टोरेज, मास नाम इसलिए दिया है, मास स्टोरेज, बिल्कुल एम एस ना लगेगा, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, जो राइट आंसर होगा आपका सी, मास स्टोरेज राइट आंसर है। चेतन गुजर कह रहे हैं सर कंप्यूटर टीचर की भर्ती कब आएगी, भाई मुझे भी नहीं पता कब आएगी, बिल्कुल आए तो मुझे भी बताना। मास जो सी राइट आंसर है यहां पर, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी राइट आंसर है जी, मास स्टोरेज। यस चेतन गुजर बिल्कुल राइट जवाब आपका, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग अदिति चौहान, अब आएंगे देखो जवाब तो राइट, देखो आप बिल्कुल बिल्कुल, आज सब गलत हो रहा है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप सब लोग मुझसे, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं तो वो देख लेना अनअकैडमी पर, अगर आप मुझसे नहीं जुड़े तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप पंकज कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिएगा, फिर भी नहीं मिल पा रहा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखना तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लस मेरे को मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा जो आपको डायरेक्ट अनअकैडमी पर फॉलो करवा देगा मुझे। यस चंचल यादव कहने सर वोट किया आपने, अभी वोट नहीं किया भाई, अभी नहीं किया, बिल्कुल सी राइट आंसर है, मास स्टोरेज यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कौन सा है, नंबर 3 का आपको जवाब देना फटाफट से। यस एक छोटी सी ट्रिक आप समझिएगा, जो भी ओल्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड के, उनमें हमेशा आपको नंबरिंग सिस्टम मिलेगा इस प्रकार से, समझ गए ना, जो कि अब लेटेस्ट अगर फोर्थ के बाद में बात करें, फिफ्थ सिक्स, तो उनमें सब में इस प्रकार से मिलेगा पी आई एम एम, ये तो उसमें ये नंबरिंग नहीं मिलती है, तो यहां पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो ए है ना। अब कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं साहब ये आंसर कैसे दें, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन प्रोबेबली पूछा गया है इस वजह से, मैं बता देता हूं कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो उसके पीछे नंबरिंग सिस्टम दिया होता है, क्या दिया होता है, नंबरिंग सिस्टम दिया होता है, यहां पर राइट आंसर होगा ए। अब कई लोग फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं, कोई लोग सी कह रहे हैं, आई बी एम 1401 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल।
बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी भी ग्रुप में शेयर नहीं किया, शेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर नहीं किया। लिंक को शेयर कर दीजिए जाकर के, शेयर करिएगा, कॉपी लिंक करिएगा, और जितनी भी आपके ग्रुप में फटाफट उन सब में शेयर कर दीजिए आप लोग। यस बिल्कुल, निधि कह रही हैं ए राइट निधि जी, रांझना यादव बिल्कुल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है? कौन सा कंप्यूटर है जो कि फिजिकल कंपोनेंट क्वांटिटी यानी भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है? विच ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर कैन वर्क ऑन फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्पीड? यस, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, नन ऑफ दीज। नंबर फोर का जवाब देना दीजिएगा। भाई थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ाना मुझे पसंद है राहुल कुमार जी। यस, माफी चाहूंगा, मुझे आराम से पढ़ाना थोड़ा सा पसंद है भाई। मैं कई बार पढ़ा के देख चुका हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा के देख चुका हूँ, है ना। राम राम संदीप जी, राम राम। और आप लोग फटाफट जो जितने भी ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर कर दीजिएगा। जवाब आ गया है, जवाब आ गया नंबर फोर का, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर फोर का मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने जवाब दिया है। अकरम जुनेजा जी राइट जवाब, राइट। श्रेयंग घोष राइट जवाब। अदिति चौहान जी कैसे बात कर रहे हैं साहब, गलत जवाब। आकाश प्रजापति जी राइट राइट राइट। अरशद अहद जी राइट जवाब, राइट, वेरी गुड। सपना जाटनी राइट जवाब, वेरी गुड। राहुल कुमार सेठी राइट जवाब, ओके। चले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे राइट आंसर होगा एनालॉग। जैसे एनालॉग नाम दे रखा है, एनालॉग से ही आप समझिए फिजिकल क्वांटिटीज पर काम करता है। बिल्कुल, ए राइट आंसर होगा यहाँ पर, ए। यस, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। यस, एनालॉग कंप्यूटर। इग्नाइटेड फ्यूजर बिल्कुल राइट जवाब आपका, वेरी गुड। प्रभा सैनी राइट जवाब। चलो, कौन सा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, थर्ड जनरेशन का कौन सा नहीं है? नंबर फाइव का आपको जवाब देना है। और मैंने बता रखा है जितने भी कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर अगर बात करें सब में नंबरिंग होता है, थर्ड तक सब में नंबरिंग है, लेकिन इसमें तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट जनरेशन में हम बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। यस, संजय चौहान राइट जवाब है। आदित्य चौहान जी गलत जवाब, गलत जवाब। ये सब थर्ड जनरेशन के आएंगे, आईबीएम, पीडीपी और एचपी, ये सब थर्ड जनरेशन के आएंगे। जबकि अगर बात करें, कई लोग डी जवाब देना, सुन लीजिएगा बात मेरी, कौन सा कंप्यूटर नहीं है, तो आईबीएम 1401। यस, ये सेकंड में चला सकता है, बी राइट आंसर होगा इसका। यस, बी राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर, राइट आंसर। यस, बी इज राइट आंसर है, यहां पर बी राइट आंसर है। यहां पर राइट आंसर होगा बी। जितने लोग डी दे रहे हैं, बी नहीं पता। बिल्कुल राहुल चौधरी जी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता है मैं रिपीटेड जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो मैंने पूछ रहा हूं आपसे। अनिल प्रजापत कह रहे हैं सर नाइट की क्लास नहीं होती क्या? अभी नाइट की क्लास मैंने कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर रखी प्यारे विद्यार्थियों, अभी नहीं होगी थोड़ा सा। हाँ, कल लूंगा मैं क्लास 9 बजे वाली, आप नो टेंशन रही, कल 9 बजे वाली क्लास लूंगा मैं रेगुलर। और कम से कम कल वाली क्लास 2 ओवर की होगी ज्यादा। यस, 2 ओवर के लगभग क्लास होगी कल।
चले बिल्कुल अगला क्वेश्चन ये ले। मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? मैग्नेटिक में डाटा ब्लॉक का जो रिकॉर्ड का नंबर है वो क्या कहलाता है? ब्लॉक डेफिनेशन कहलाता है, रिकॉर्ड कंटेंट क्लोज कहलाता है, ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है, या रिकॉर्ड पर ब्लॉक कहलाता है? नंबर सिक्स का आपको जवाब देना है, जल्दी जवाब दीजिएगा। वॉट इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन डेटा ब्लॉक ऑन ए मैग्नेटिक टेप? ब्लॉक डेफिनेशन कहलाता है, रिकॉर्ड कॉन्टेंट कहलाता है, क्लोज कहलाता है, ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है, रिकॉर्ड पर ब्लॉक कहलाता है? यस, नंबर सिक्स में। चेतन गुजर जी, आपको मेरे को लग रहा है कि आप इतने बार बार कमेंट करेंगे तो मुझे तुरंत ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, तुरंत प्रभाव से। यस श्यांग घोष, बेबी लोधी राइट जवाब, अर्षद राइट जवाब, सपना, आनंद, अंजलि, सुनील, ज्योति, राम प्रसाद, विमल, आशीष, कविता, दुर्गेश, अमेजन प्रोडक्ट, ओके ओके ओके, वेरी गुड, बिल्कुल राइट जवाब आपका, राम प्रसाद, अनिल प्रजापत, प्रभा सैनी जी, बादशाह कुमार, ब्लॉकिंग फैक्टर सी होगा। यस, मैं डेटा ब्लॉक रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है, सी राइट आंसर है यहां पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन डेटा ब्लॉक ऑन मैग्नेटिक टेप? सी इज राइट आंसर होगा यहां पर, ब्लॉकिंग फैक्टर। यस, सी राइट आंसर है। चलो, मार्क फर्स्ट किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वो कह रहा है कि मार्क जो फर्स्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? यस, दीजिएगा नंबर सेवन का आपको जवाब देना है, दीजिए। फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया गया था, यस, अमेरिकों के द्वारा। सनी चौंडला जी, कोई बात नहीं, अब आगे आ जाएगा नंबर सेवन का। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं प्लीज वो लोग ऐसे सेवन लिख करके फिर जवाब दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किसका जवाब दे रहे हैं, किसका नहीं दे रहे हैं जवाब। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से फटाफट से, प्यारे विद्यार्थियों। यस, गलत। अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, बिल्कुल। कई लोग कंप्यूटर जवाब दे रहे हैं सी, जो कि गलत जवाब है। यस, ए राइट आंसर होगा मार्क फर्स्ट का, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। अरे भैया, कंप्यूटर ही एक कैलकुलेशन डिवाइस है, एक क्या है, कैलकुलेटर है, पता है आपको, कैलकुलेटर है, बिल्कुल। ए राइट आंसर होगा यहां पर, क्या राइट आंसर होगा, ए, बिल्कुल मार्क फर्स्ट, ए राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा। चलो, और आप लोगों ने क्या बात है, आज कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? क्या बात है, बच्चे आ ही नहीं रहे क्लास के अंदर आज तो, क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। चलो, लाइक भी करते रहो साथ के साथ, कम से कम इतने लोग जुड़े, 100 लाइक तो अब तक हो जाने चाहिए थे। यस, 100 लाइक तो अब तक हो जाने चाहिए थे। निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? यस, नंबर एट का जवाब देना आपको, नंबर एट। यस, यहां पर राइट जवाब होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यस, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर राइट जवाब होगा सी, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सी राइट जवाब होगा। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बता रहे हैं, जो कि गलत जवाब है, यहां पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर राइट जवाब है।
सर पटवारी क्लास है क्या? बिल्कुल, पटवारी के अंदर कंप्यूटर आता है, बिल्कुल पटवारी में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर यस उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक। यहां पर राइट जवाब होगा सी, जितने लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जवाब दे रहे हैं उन सबका राइट जवाब है सी, जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल। चलो राम जी भाई कह रहे हैं नमस्ते सर, पहचान लिया होगा शायद, बिल्कुल बिल्कुल राम जी को तो कौन नहीं पहचानता। यस प्रणाम अमित चडार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निम्न में से कौन कॉस्ट या बिट के आधार पर सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइस है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। यस ए बी सी और डी, दीजिए जवाब। नंबर 9, सर राजस्थान पुलिस के लिए बिल्कुल जहां पर भी बिल्कुल थोड़े से आज क्वेश्चन टफ है, कोई बात नहीं, जहां पर भी मैं आपको बता दूं, जहां पर भी बेसिक कंप्यूटर से संबंधित क्वीज आती है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर से संबंधित जहां भी क्वेश्चंस आते हैं, यस उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 9 का आपको जवाब देना है। दिव्या शेखावत राइट, शुभम राइट जवाब, वेरी गुड वेरी गुड, राइट जवाब आपका, बिल्कुल राइट जवाब, जितने लोग जवाब दे रहे हैं नंबर 9 का, और शुभम राइट जवाब आपका, ओके। ये वो क्वेश्चंस है जो ट्रिपल सी जैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यस कई लोग बी जवाब दे रहे हैं, मैग्नेट डिस्क, जो कि गलत जवाब है। कॉस्ट व बिट के आधार पर कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज होती हैं। यस कॉम्पैक्ट डिस्क, यस यहां पे राइट जवाब होगा सी, नंबर 9 का सी जवाब है यहां पर। और आप लोगों से यही दरखास्त है, आप जितने भी लोग हैं फटाफट से शेयर भी कर दीजिएगा। यस शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें आप लोग फटाफट फटाफट। यस और लाइक तो जरूर कर दें आप लोग, लाइक तो जरूर ठोक दें भाई। यस विच ऑफ फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड बिट? राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क, सी राइट आंसर है। चलेगा अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004, मोटोरोला 639। नंबर 10 का आपको जवाब देना, दीजिएगा। राम जी भाई कह रहे हैं हम शेयर कर चुके हैं, कोई बहुत बहुत धन्यवाद राम जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला कर रहे हैं। वेरी गुड, गजब का जवाब दिया विनोद प्रजापत ने, सबसे गजब का जवाब दिया, बिल्कुल भाई राइट आंसर आप, बिल्कुल बिल्कुल गजब। कुलदीप यादव, विकास मोहंता जी राइट जवाब, अमेजन प्रोडक्ट राइट जवाब आपका, वेरी गुड वेरी गुड। शुभम चौहान राइट जवाब, कुलदीप यादव राइट जवाब, विमल कुमार राइट जवाब, वेरी गुड। इंटेल 4004, यस यस सी राइट आंसर है, यहां पर राइट आंसर हो सी, 1971 के अंदर। राहुल चौधरी बिल्कुल राइट जवाब आपका, 1971 में, यस यस राइट जवाब है। दिव्या शेखावर जी राइट जवाब आपका, वेरी गुड 19, यस यस। नमस्कार घोस्ट गेमर आ चुके हमारे बीच में, क्या बात है, एक ही कमेंट करना नाला ध्यान रख। नेहा मौर्य राइट जवाब, अब तो सबने टीप टीप के दे दिया जवाब, अब तो सब कॉपी कर रहे हैं, अब तो किसी का गलत नहीं आता जवाब 10 सेकंड के बाद में, मुझे पता है। चलो कौन सा कथन सत्य है? मुझे नहीं पता, आपको जवाब देना है, मुझे नहीं पता कौन सा कथन सत्य है, बाकी सब गलत है। नंबर 11 में कौन सा कथन सत्य है?
कोशिश करें जवाब दें कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन मैंने सबसे पहले दे दिया फंसाने के लिए आपको। सबका राइट जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल सबका राइट जवाब। मुझे लगता है कि ऑप्शन को सबसे नीचे देना चाहिए था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। यस यस यहां पर 1KB 1024 बाइट सबसे पहला यार बाइट्स। यस एस भी लगा दिया, बाइट होता तो गलत हो जाता। यहां पर ए राइट आंसर है, 1KB 1 किलोबाइट होगा 1024 बाइट। यस राइट जवाब है, वेरी गुड वेरी गुड। यस राइट जवाब है, वेरी गुड। चल लेटेंसी टाइम है, लेटेंसी टाइम क्या है, नंबर 12 का आपको जवाब देना है। दीजिएगा ये मिक्स क्वेश्चन है मिस्टर म्यूजिक सॉन्ग, मिक्स क्वेश्चन है। यस टाइम टू स्पिन द नीडेड डेटा अंडर हेड। नहीं समझ पाया मैं, इसलिए नहीं बोला इसको। टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड, ठीक है ना, जो समय लग रहा है डाटा के लिए। बिल्कुल स्पिन, यस नीडेड डाटा अंडर हेड, तो ये राइट आंसर होगा इसका ए, ए राइट आंसर होगा। सर कल आपकी क्लास, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई मिस्टर किस्मत रहर जी। बिल्कुल यहां पे राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल बिल्कुल। सपना कह रही है कुत्तों भौंके, बिल्कुल मैं गंडकड़ा पालना साहब। टाइम टू स्पिन द नीडेड एंडर, यस ए राइट आंसर है यहां पर। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया, नंबर 13। जुनो चले चले ले आ जा, जुनो ले चले। थर्टीन का ठोक दो भाई जवाब फटाफट। जूही दुबे कह रही है सर आप अपनी प्रोफाइल से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। बिल्कुल जब प्रोफाइल में था तब तो मेरी जो वेट था वो लगभग 66+ था, और अब वेट बिल्कुल कम से कम 5 KG मैंने बिल्कुल रिड्यूस कर लिया है इस वजह से। अरे भाई एक दिमाग लगाओ, ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का क्या किया था, निर्माण किया था। बिल्कुल यहां पे राइट आंसर होगा सी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल राइट जवाब होगा। नहीं आज ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा आपको। दिखाई दे रहा आप सबको,
चलो जाओ जाओ पढ़ा दो मुझे, जाओ। यस अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। बीगल है, बीगल बीगल गूगल करना आपको दिख जाएगा, बीगल डॉग है मेरे पास में, बीगल। यस थैंक यू सो मच। यस मैंने बताया था कि कुछ ही दिनों में मैं घर शिफ्ट हो रहा हूं, तो इस वजह से। काई नाम है कुत्तों को, जूनो नाम है, जूनो नेम है, इसलिए आप लोग कह रहे थे ना बार्किंग। यस चार्ल्स बेबेज का भी मैकेनिकल कंप्यूटर था, बस फर्स्ट की प्रथम की बात कर रहा था दीवा से कवा जी, तब वो ब्लेस पास्कल आएगा उसमें। यस प्लीज राम जी भाई, कुत्ता ना बोले गाली ना निकाले। यस नंबर 14 में आपको जवाब देना, फटाफट ठोक दीजिए। वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? अरे पोटेंशियल कैपेसिटी, बिल्कुल। कविता राजपूत, अमित चडार, पार्वती देवी, राइट जवाब आपका। यस यस एओडी कैसे हो सकता है भैया? कॉम्पनेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पोटेंशियल कैपेसिटी, राइट आंसर बी। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। यस नंबर 14 में बी राइट आंसर है। यस बी राइट आंसर है, पोटेंशियल कैपेसिटी बी राइट आंसर है। चलो किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सबसे अधिक ऑपरेशन कॉस्ट थी? कौन सा पीढ़ी था कंप्यूटर था जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑपरेशन कॉस्ट थी? नंबर 15 मेरे को गलत होंगे साहब। अच्छा क्वेश्चन है, चलो जाओ उधर जाओ, चलो जाओ उधर, चलो जाओ 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 ब्रूनो बुला, जाओ जाओ बेटा, जा उधर जाओ, चलो चले बाहर चलेंगे फिर, चलो जाओ उधर जाओ। यस भाई एक बात बताइए मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बात क्या है भाई? ये कह रहा है किस पीढ़ी कंप्यूटर सबसे अधिक ऑपरेशन कॉस्ट थी? भाई सबसे पहला जो अपन कंप्यूटर बनाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन। यस ए राइट आंसर है, जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई, सबसे पहला जो अपन बनाएंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल ए फर्स्ट जनरेशन राइट आंसर होगा, फर्स्ट जनरेशन ए राइट आंसर है, फर्स्ट जनरेशन ए। बैठो दोस्त, बैठो बैठो, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए आप लोग, जितने भी लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। यस कार्ड सिस्टम का गुण है स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डेटा, यूजिंग कार्ड आर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, नीडिंग ए लार्ज डीपी स्टाफ, ऑल ऑफ द अबो। नंबर 16 में जवाब देना है।
शिवम शर्मा जी आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें पता चलेगा। यस राइट जवाब, जल्दी दीजिए फटाफट। सर ज्योग्राफी क्लास कब लगती है? एप्लीकेशन पर लगती है दोपहर 2 बजे और 4 बजे। यस आप रेगुलर क्लासेस होगी नवंबर दिसंबर। यस नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी, 1% भी नहीं छोड़ी जाएगी क्लास। बिल्कुल यहां पर राइट जो लोग बी दे रहे हैं सुनिएगा, ऑल दी अबो राइट आंसर होगा, ऑल दी अबो डी राइट आंसर है यहां पर। राहुल चौधरी राइट जवाब। बिल्कुल डी राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। कई लोग बी कह रहे हैं, ओनली यूजिंग कार्ड आर रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन सोलोनेस इन प्रोसेसिंग डेटा नीडिंग ए लार्ज डीपी स्टाफ। या 16 में डी राइट आंसर मानेंगे, बोल दिया वो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं रंजना यादव जी। बिल्कुल चले, वास्तविक ASCII कोड प्रत्येक बाइट की डैश बिट का प्रयोग करता है तथा अंत की बिट त्रुटि को चेक करने के लिए आरक्षित करता है। 5, 6, 7, 8 नंबर 17 में। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं क्योंकि इसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है। शिवम शर्मा कह रहे सर एसएससी वाले, एसएससी वाले में नहीं हूं भाई, मैं एसएससी वाले में नहीं हूं, मैं आरपीएससी वाले में हूं। आरपीएससी में, आरपीएससी सेक्शन में जहां पर फ्री क्लासेस आप भी देख सकते हैं। यस फ्री क्लासेस मिलेंगे आपको, बिल्कुल फ्री। हेलो दीदी, खराब करा रही सर। भाई देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यस वो क्या कह रहा है कि ASI जो कोड हम यूज कर रहे हैं उसके, भाई बिट की अगर बात करें, यस बिट की अगर बात करें तो बिट होते हैं टोटल 8, ठीक है ना। यस अब उस 7 बिट का तो प्रयोग कर लेता और लास्ट वाली जो बिट है वो त्रुटि को चेक करने के लिए, यस रिजर्व एंड बिट टू चेक एरर को करने के लिए, यस यहां पर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, यस सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल प्यार, बहुत ही शानदार प्यारा जवाब दिया आपने, सी राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। रामकिशोर कह रहे हैं कहाँ गए सर, बिल्कुल आ गया साहब, आ गया नंबर 17 का। बिल्कुल यहां पर सी राइट आंसर 7 होगा। नमस्कार वैष्णवी माता जी, नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार जी, चलेगा। नंबर 18, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को किस नाम से भी जाने जाते हैं? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम, बहुत बहुत ऑफ वो, नन ऑफ दिस। नंबर 18 में गलत, वेरी लार्ज स्केल नहीं आएगा भैया। VLS कैसे? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ए कह सकते हैं, ए राइट आंसर होगा।
निम्न में से किसका फेलियर रेट सबसे कम है? विच ऑफ फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट फेलियर रेट? मैकेनिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज, नन ऑफ दीज, नंबर 19 में। नंबर 19 जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी ठोक दें साथ के साथ। यस, थोड़ा सा विजुअल आपको अजीब सा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कल से मैं बिल्कुल एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा एकदम शानदार तरीके से, नो टेंशन नहीं है आप लोग। VLSI फोर्थ में होता है। यस, वेरी लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम। नंबर 19 गलत जवाब है, गलत जवाब। जस्टिन जगन्नाथ कहना मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बी इज राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यस, बी राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बी राइट आंसर है। चलेगा अगला क्वेश्चन। व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट निजी कंप्यूटर रेम होगा, रेम का होगा, क्या होगा? विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष निजी कंप्यूटर कितने रेम का होगा? ए टिपिकल पर्सन कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस पर्पज विल बी ऑफ रेम, कितने रेम का होगा? 4, 16, 64 या 256? नंबर 20 में देना है जवाब। आनंद चौधरी राइट जवाब, राइट जवाब आनंद चौधरी। अंकित चौधरी जी राइट जवाब, पार्वती देवी राइट जवाब, रोहित मीना राइट जवाब। बिल्कुल 256 के डी राइट आंसर होगा यहां पर, राइट आंसर होगा डी, डी राइट आंसर होगा। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ए बी सी डी, डी राइट, तरुण गोटवाल जी डी राइट आंसर, 256 के, बिल्कुल 256 के राइट आंसर है। अंकित चौधरी जी राइट जवाब, प्रभास सैनी राइट जवाब, अनिल प्रजापति जी, रमेश यादव राइट जवाब, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्व को शामिल करता है, क्या कहलाता है? यस, सेमीकंडक्टर मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। 21 में जवाब देना है। आदित्य चौहान राइट जवाब, अकरम जुनेजा जी राइट जवाब, उपेंद्र सिंह राइट जवाब, चंद्र प्रताप सिंह राइट, उपेंद्र, रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभा, अनिल, बिल्कुल। अब राइट जवाब आने लग गया आप लोगों को। यस, रजिस्टर्स उच्च गति के लिए जो काम करता है, हाई स्पीड स्टोरेज के लिए, तो बी राइट आंसर होगा यहां पे, रजिस्टर्स, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। यस, रजिस्टर्स बी इज राइट आंसर है। चलेगा अगला क्वेश्चन ये लीजिए।
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बेवेज ने सुझाया था, चार्ल्स बेवेज है उसने कौन सा कंप्यूटर सजेस्ट किया था? यस, एनालिटिकल इंजन, अर्थमेटिक मशीन, डोनाल्ड कंथ या ऑल द अबव। सोच समझ के जवाब देना 22 में, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। सत्य सत्य भावा बहरा जी कह रहे हैं पीडीएफ कहाँ है सर? बिल्कुल पीडीएफ मेरी जेब में है और जल्दी ही आपको भिजवा दी जाएगी। यस, मैंने कहा ना पीडीएफ के लिए काम चल रहा है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन उन सबके लिए एक ही पूरी पीडीएफ बना रहा हूं मैं। ट्वेंटी टू में जवाब देना आपको। यस, एनालिटिकल इंजन, बिल्कुल ए राइट आंसर है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ए राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार गजब का क्वेश्चन था, ए राइट आंसर है। ऋत्विक सबका गजब का जवाब है, एनालिटिक इंजन ए राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, ए। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति किसमें मापी जाती थी? प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर इन मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में या पिको सेकेंड में? यस, पिक सेकेंड में। यस, नंबर 23। रॉयल बना एसआर कह रहे हैं क्या मैं नहीं दिख रहा हूं? बिल्कुल आप नहीं दिख रहे हैं। आदिति चौहान राइट जवाब, राइट जवाब। आकृति कुमारी राइट जवाब। इंडियन सुपरटेक राइट जवाब। अंकित मिश्रा राइट जवाब। आनंद चौधरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अब आ गया देखो जवाब आप। शुभम धोदी जी राइट जवाब। बेला टूडू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रंजना यादव वेरी गुड। मिली सेकंड्स में प्रथम पीढ़ी का किस में नापी जाती थी? मिली सेकंड में, मिली सेकंड, ठीक है ना? यस, इसका अगर आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना हो, ठीक है ना, इनको और ज्यादा डीपली आपको पढ़ना हो, तो आप लोग एप्लीकेशन जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्रोफाइल का लिंक, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का, मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मैं मिल जाऊंगा, और जाकर के आप फटाफट से मुझे क्या कर लीजिएगा, वहां जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, आप फटाफट से जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यस, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा आप लोग। यस, जितने भी लोग नए जुड़े हैं क्लास के अंदर लाइक ठोकते रहे भैया, लाइक ठोकते रहे आज क्लास के अंदर। यस, चलेगा। मॉडल 1500 और 1957 में क्या थे? आज देखो क्वेश्चन का जो लेवल है मैं कुछ ऐसा लाया हूं जो वास्तव में आपके एग्जाम्स या आपको तो दिमाग को हला देंगे बिल्कुल, आपको क्योंकि बेसिक पूरा खत्म हो चुका है। आप थोड़ा सा जो हिस्ट्री वगैरह इसकी कंप्यूटर की जो भी बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन है, तो 24 का आपको जवाब देने की कोशिश करना है। मॉडल 1500 और 1957 में क्या थे? द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय एप्पल, फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय मोटोरोला, फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय इंटेल। और ये यहाँ पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर क्या होता है इस प्रकार से आपको पोल दिया जाता है, वहां पे क्या होता है पोल सेक्शन होता है, ऐसा लगता है जैसे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे ए बी सी और डी, ठीक है ना? यस, ए बी सी डी होता है, आप इसके अंदर से चुन सकते हैं बिल्कुल। 24 में जवाब दीजिएगा। यस, आ चुका है जवाब, आ चुका है जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। 24 में आ चुका है जवाब। नाम लेना चाहूंगा एक बार, अंकित चौधरी ने सबसे पहले जवाब दिया, शुभम चौहान ने, बिल्कुल रमेश यादव ने, अदिति जी गलत जवाब आपका, अमेजन प्रोडक्ट राइट जवाब आपका, बेबी लोधी जी। देखो मैं नाम इसलिए लेता हूं कि थोड़ा सा आपका भी जो एक लेवल है मनोबल है वो डाउन ना हो, ठीक है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी थोड़ा सा जोश होश मिलता रहे, मुझे भी। यस, वही तो IBM के द्वारा। यस, IBM का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? IBM का फुल फॉर्म, भाई साहब IBM का फुल फॉर्म बताएगा कोई मुझे? रंजना करी अंजलि, हार के बाद जीत है, हिम्मत ना हारो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मत आना बिल्कुल भी। यस,
बिल्कुल 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 बिल्कुल, गजब गजब। ए आप तो सब लोग वही टीपा टीपी कर रहे हैं, ए कर रहे हैं सब लोग। चलो पार्वती देवी कह रहे सर मेरा तो नाम ले लेते, आप काम ऐसा करो कि आपका नाम बन जाए खुद ही। कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइज 25 में। सर आईबीएम की फुल फॉर्म, अरे भाई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कितनी बार इंटरनेशनल बिजनेस मशीन राम जी भाई। कोई लोग गुजरात से हैं क्या? गुजरात से, गुजरात से कौन कौन है मुझे बताएगा? गुजरात से, गुज्जू भाई कोई है क्या? यस 25 का जो राइट आंसर वो डी होगा, डिजिटल कंप्यूटर। यस जय मसीहा की सर, बिल्कुल जय मसीहा, डी राइट आंसर, डिजिटल कंप्यूटर है वो, साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं होते, नॉट क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइज। यस डी राइट आंसर है, डिजिटल कंप्यूटर 25 में। रंजना यादव जी बिल्कुल, राहुल चौधरी राइट। सर मैं देहरादून से हूँ, मैं सर यूपी से हूँ, मैं भरतपुर से हूँ, क्या बात है क्या बात, मैं राजस्थान से हूँ भाई, यूपी से। चलो 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 कोई नहीं, बिल्कुल डी राइट। जितने भी लोग दे रहे हैं कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर राइट आंसर होगा। यस शरारती पड़ोसी कहने सर जी आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। अरे यार यही मिलता मैं आपको। चलो कौन सी 8-बिट चिप आधुनिक TRS-18 कंप्यूटर के में अधिक प्रयोग होती है? Z8000, मोटोरोला 6809, Z8808, Z80। 26 में आपको जवाब ठोकना, जल्दी जवाब ठोकेगा। यस थोड़ा सा आप लोग गलत कर सकते हैं, कोई बात नहीं। धौलपुर से, यूपी से, ओ हो। पंकज टैग कहने नाम तो ली जा रहे भाई, पंकज नाम के तो वैसे ही आपको पता है टैलेंटेड आदमी होते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं, लाइक ठोक लीजिए। ये क्लास रोज शाम को 7 बजे होती है, बेसिक कंप्यूटर की क्लास है, रोज शाम को 7 बजे होती है। झारखंड से यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, Z80। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या है कि कंप्यूटर का जो एक मॉडल नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकली हो सकता है, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगे। यहाँ 26 में डी होगा राइट आंसर, बिल्कुल आप कहीं किसी का गलत नहीं है, सब तुक्का ठोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाइए साहब, अंजलि जी जाइए। शरारती पौड़ी जी कह रहे हैं सर मैं इलाहाबाद से हूँ। ओके 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 चलो, निम्न में से कौन सी डिस्क, कौन सी निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? फिक्स लगी हुई है उसके अंदर, 27 के अंदर फिक्स लगी हुई है जो कंप्यूटर में काम करेगी करेगी, वो कह रहा है, मतलब करेगी तो सारी, लेकिन जो फिक्स रूप से काम करेगी, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। सर आपके यहाँ व्हाइट सिटी भी है क्या? सर व्हाइट सिटी तो कोई नहीं है सर। व्हाइट सिटी तो मार्बल वाला एरिया को बोल सकते हैं अपन, हमारे इधर मार्बल ज्यादा निकलता थोड़ा सा राजस्थान में। अंकित चौधरी राइट, अकरम जुनेजा जी राइट, बिल्कुल राइट जवाब है।
राहुल चौधरी बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। या सन्नी चंदन राइट जवाब, कविता बिल्कुल, ए हार्डिक्स, यस हार्डिक्स राइट आंसर होगा यहां पर, हार्डिक्स। हार्डिक्स राइट आंसर है, HRD हार्ड डिस्क राइट आंसर है, ए राइट आंसर होगा यहाँ पर, ए राइट आंसर होगा, हार्डिक्स राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर है। ब्लूरे डिस्क फ्लैट डिस्क डीवीडी, गलत जवाब, गलत जवाब, हार्ड डिस्क। जितने लोग जवाब दे रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क राइट आंसर होगा, प्यारे विद्यार्थियों हार्ड डिस्क राइट आंसर है, चलेगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है? पीसी के बारे में बात कर रहे हैं, दीजिएगा, मेडिकल, क्लेरिकल एंड लॉ, अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। 28 में जवाब देना है, ताजमहल राजस्थान में नहीं है भाई। सर आपने हवा महल देखा होगा जयपुर में, क्यों नहीं देखा भाई, क्यों, क्या इरादा कूदने का है तेरा वहां से? शौकीन अदान कह रहे हैं सर मेरा नाम क्यों नहीं लेता लेते, हाँ क्या इतना लंबा लिख दिया भाई। अनुज लोधी रॉय राइट जवाब, अरे अकल के अंधो, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का सब जगह ही उपयोग होता है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ लैपटॉप, मेडिकल, क्लरिकल, लॉकआउट, सब जगह पीसी का यूज होता है। या राइट आंसर होगा नन ऑफ दिया, वो इनमें से कोई नहीं, नहीं होता है, सब जगह होता है। अरे भाई सब जगह होता है, कोई मेडिकल कह रहा है, कोई कुछ, क्योंकि अच्छा मेडिकल के अंदर कौन से फिर किसका यूज किया जाता है, पीसी का नहीं किया जाता तो है, वो अलग से बनाया जाता है कि वो पीसी होता है जो डेस्कटॉप पे रख के काम में लिया जाए। अकाउंटिंग सब यहाँ पे एक तो बेतुका सा क्वेश्चन वगैरह नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज इसका डी करिएगा राइट आंसर, आप लोग यहाँ पे राइट आंसर डी करिएगा, डी इज राइट आंसर, यहाँ पे डी राइट आंसर करना आप लोग, यस। प्रदीप कह रहे राजस्थान में कहाँ, राजस्थान में मैं जयपुर से हूं, जयपुर, जयपुर से। आप लोग ऊटपटांग क्वेश्चन जरूर करते हो लेकिन जवाब देने की कोशिश नहीं करते हो, हैं? यस जयपुर राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर है, नन ऑफ, अब नन ऑफ दिस नलायको। अबेकस शब्द का नाम अबेकस से लिया गया है, यह शब्द किस भाषा का है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या एनिसिट, इजिप्ट। यस मिस्टर से लिया गया, 29 में जवाब ठोकना, जल्दी जवाब दीजिएगा। राजसमंद को व्हाइट सिटी कहते हैं, ओके ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल राइट आ चुका है हमारे बीच में, यस लैटिन लैंग्वेज राइट आंसर क्या होगा, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, यस ए राइट आंसर है, ए लैटिन लैंग्वेज राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, लैटिन लैंग्वेज ए राइट आंसर, यस। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ में वीडियो को लाइक ठोक दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार निर्देशों को निष्पादित करते हैं? आधुनिक कंप्यूटर है वो किस प्रकार निर्देशों को निष्पादित करते हैं? नंबर 30 में जवाब देना, जल्दी जवाब ठोकेगा। पैरेलल ओनली, सिक्वेंसली ओनली, सिक्वेंसली एंड पैरेलल एंड ऑल दी अबो, नंबर 30। सर जयपुर मेरा एग्जाम है, राजस्थान हाई कोर्ट का, मैं एमपी से हूँ सर, शिवपुरी से। ओके ओके चलो, किसी को भी कोई भी एग्जाम वगैरह से रिलेटेड कहीं भी जयपुर में, अगर मैं जयपुर में रहता हूँ कहीं भी किसी को कोई भी सेंटर वगैरह कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैसेज कर देना, यस मुझे मैसेज कर देना। मैसेज के लिए कैसे, तो मैसेज के लिए आप एप्लीकेशन पर जाना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उस पर आप जाना,
तो वहां पर आप मैसेज बॉक्स ओपन है वहां पर कर दीजिएगा, तो वहां पर बिल्कुल आपको व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट वगैरह सब कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको भी जयपुर के अंदर अगर कोई हो, क्योंकि मैं यहाँ इसी सिटी में रहता हूँ इसलिए। यस, नंबर 30 का राइट जवाब होगा सी, बोथ सिक्वेंटली एंड पैरेलल। यस, पैरेलल बिल्कुल समानांतर भी करता है और सिक्वेंस के साथ में भी बिल्कुल। आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार है, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा यहाँ पर, सी राइट आंसर होगा। अनीता राइट जवाब आपका, वेरी गुड। सपना ओके, चल आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत या और कर रहा हूं, आगे बताओ। मैं सोच रहा था 20-25 क्वेश्चन और करा देता हूं, बताओ इतने बहुत या आगे और कर रहा हूं। बताओ मुझे कमेंट करके बता दो, आगे कर रहा हूं या फिर रहने दूं। और करवाओ, चलो चलो और लो भाई और लो, कोई नहीं कोई नहीं, थकते नहीं हो आप लोग, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, IBM 140 कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम एंड स्टोरेज थे, मिनी कंप्यूटर थे, माइक्रो कंप्यूटर थे, नन ऑफ दीज। नंबर 31 में चलो करवा रहा हूं आगे करवा रहा हूं साहब, करवाओ साहब और करो। ओके ओके, नंबर 31 में दीजिए जवाब, IBM 1401 कंप्यूटर कैसे थे। परभा कह रही है माइंड को रेस्ट देना, बिल्कुल बिल देंगे साहब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैन फ्रेम एंड स्टोरेज ए राइट आंसर होगा यहां पर, ए राइट आंसर है मैन फ्रेम एंड स्टोरेज। यस, ए राइट आंसर है बिल्कुल। जो लोग गलत भी जवाब दे रहे हैं, तो जैसे मैं क्वेश्चन के अंदर क्या राइट जवाब आपको बता रहा हूं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं इन चीजों को लेके। यस, समझ गए ना। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता वह समय क्या कहलाता है, डिले टाइम कहलाता है, रियल टाइम कहलाता है, एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है, डाउन टाइम कहलाता है। 32 का गलत, एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है, एग्जीक्यूट करता है फाइल को, सी राइट। कई लोग रियल टाइम बता रहे हैं जो कि गलत जवाब है। अच्छा, यहां पर सी राइट आंसर होगा एग्जीक्यूशन टाइम। यस, नॉट रियल टाइम, राइट आंसर होगा एग्जीक्यूशन टाइम। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम। यस, सी राइट आंसर है। चले, डेटा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप को क्या कहते हैं, सिलिकॉन चिप है उसको हम क्या कहते हैं, रेम चिप कहलाती है, रोम चिप कहलाती है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, पीरोम चिप कहलाती है। नंबर 33, हाँ बेझिझक पूछेगा आप सेंटर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए। हाँ
नाम में क्या रखा है, काम करो भाई। यस माइक्रो प्रोसेसर्स, यस यहां पर राइट आंसर होगा। सिलिकॉन चिप है वो किस, यस माइक्रो प्रोसेसर, यस सी राइट आंसर है। चलो कौन सी इकाई यूजर डेटा मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। 34 में आपको जवाब देना है। इनपुट यूनिट, यहां पर राइट आंसर होगा ए इनपुट यूनिट, यस। अरे भैया इन आउटपुट, एक बात, मशीन रीडेबल रूप में डेट, यूजर डेटा मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करती है, इनपुट करेंगे तभी तो करेगा 34 में इनपुट। कुछ लोग अरे डेट यूज कौन सी, बात को समझो क्या कह वो ये कहना चाह रहा है। अरे यार आप समझ ही नहीं बात को। अब कई लोग फिर भी कह रहे हैं कि सर आउटपुट, आउटपुट कौन सी इकाई, ये पूछा इनमें से कौन यूजर, जो यूजर है, यूजर जो काम कर रहे हैं वो डेटा मशीन रीडेबल के रूप में, यानी जो डेटा को मशीन रीड, देखो स्पेस दिया हुआ है, वो मशीन रीड करती है, तो मशीन रीड करती है तो मशीन में हम क्या डालेंगे, इनपुट डालेंगे। वो ही नहीं कह रहा कि मशीन के द्वारा यूजर को पढ़ने लायक, अगर ऐसे बोलता यूजर को पढ़ने लायक, यूजर लास्ट में होता तब आउटपुट होता वो। अरे बात को समझो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का लेवल देखो आप। कौन सी का इनमें से कौन सा यूनिट है जो यूजर डेटा को मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करता है, मशीन उसको रीड करती है, तो मशीन इनपुट ही तो करेगी, हम कीबोर्ड से करेंगे, हम माउस से करेंगे, बात को समझिएगा। टैग त्यागी आंख मार रहे हैं, कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो। अच्छा ये नहीं चलेगा प्लीज यहां पर, है ना, हमारी भी दो दो आंखें हैं। ए राइट आंसर होगा इनपुट यूनिट, यहां पर इनपुट राइट आंसर होगा, जो यूजर क्या करेगा, मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करेगा। यस ए राइट आंसर है यहां पर, यस। आपको ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे लग रहा है मिस्टर ट्रैक त्यागी, टैग त्यागी आपको ब्लॉक करना पड़ सकता है मुझे, मैं लास्ट और अंतिम वार्निंग दे रहा हूं। बिल्कुल सन्नी चंडोला जी, ओके। कंप्यूटर का नर्व सेंटर कौन कहलाता है, नर्व सेंटर जानते हैं आप, अरे जो इसकी मतलब जो काम करने वाले इसके नस वगैरह, बिल्कुल वो उसी की बात कर रहा हूं मैं, यस कौन कहलाता है। राहुल कह रहे हैं सर टैग तुम्हारा नाम क्या है, अब वो टैग का घर वालों ने नाम ही नहीं निकाला, इस वजह से खुद का नाम बेचारे ने टैग निकल रख लिया, टैग। यस सी कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है कंट्रोल यूनिट, यस। कुछ लोग एएलयू दे रहे हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक, वो नहीं, कंट्रोल यूनिट काम करता है। चलो ठीक है, बस बहुत है आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे अपन, कल की क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे, ठीक है ना, कल की क्लास और परसों क्लास में थोड़ी सी लंबी रखूंगा, आप लोग जुड़िएगा मेरे साथ में। आज के लिए बस इतनी, 35 क्वेश्चन बहुत है भाई, ठीक है ना, यस।
ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल कल करेंगे बाकी क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। यस, और जितने भी लोग जुड़े एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं एक बार लाइक ठोक दो। यस 200 होने वाले हैं, जिन्हों भी आप देखो फटाफट से आज बिल्कुल 200 क्वेश्चन, 200 अपन को लाइक करने ही आज। यस 200 करने ही करने हैं। ऐसे लाइक देखो क्वेश्चन बहुत है अभी आगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत है। देखो ये अभी यही चल रहा है 35 में, अभी क्वेश्चन आगे बहुत है, दिख रहा है आपको? यस, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट से एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यस बिल्कुल 200 कर दीजिएगा। कई लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए प्लीज प्यारे विद्यार्थियों। और यस रोज शाम को 7 बजे होगी, मिस्टर आदर्श राज कह रहे हैं। यस रोज शाम को 7 बजे इसी टाइम क्लास होती है, और एप्लीकेशन के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं। यस अनीता वर्मा, ओके गुड नाइट जी, बिल्कुल आप देखेगा एप्लीकेशन के लिए आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेगा। मात्र 3 लाइक की दरकार है, मात्र 3 लाइक की 200 करने के लिए, क्या बात है क्या बात। ठीक है ना, रोज शाम को 7 बजे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए। बाय।